शमीम खान ने दी ईद की मुबारकबाद, जरूरतमंदों को किया दूध शक्कर सेवइयों का वितरण। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा शहर के एक वरिष्ठ समाज सेवी, राजनीतिक कद के व्यक्ति शमीम खान, इनके द्वारा सभी को ईद मुबारकबाद दी गई है। और इस मौके पर लगभग 10,000 लोगों को, जरूरतमंदों को दूध सेवई शक्कर का वितरण किया गया है। इस मौके पर क्या कहा शमीम खान ने, और साथ ही आपको दिखा रहे कि किस तरीके से जरूरतमंदों को ये वितरित करने का काम किया गया है। मैं सही बैठा हूं शायद भाई। शमीम भाई, हर साल की तरह इस साल भी आपने दूध और सेवई और शक्कर जो आपकी तरफ से रहता है आम लोगों के लिए, ये आज भी आपने यहाँ से बांटा है और आप सारे वार्ड में जैसे हर साल भेजते हैं वैसे ही भेज रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके अब रमजान जा रहा है और ईद भी आ रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आने वाले, आज रात में इंशाल्लाह ताला चांद होगा, कल इंशाल्लाह ताला ईद होगी, रमज़ान मुबारक का पाक महीना कहीं ना कहीं आज हमसे दूर चला जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से तमाम आलिम इस्लाम को सबसे पहले एडवांस में चांद मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक पेश करता हूं, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे आप कबूल फरमाएंगे। उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, आज रमज़ान के इस पाक महीने में अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रखे, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के अंदर, सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत, जिस तरीके से ये देश ने हमेशा गंगा जमुना की तहजीब की तरह चलना सिखाया है, उस तरीके से हम सब मिल करके इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग एक साथ मिल करके दिवाली होली मनाते हैं, उस तरीके से कल इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके ईद मनाएंगे। ईद उल फितर का कल दिन है, इंशाअल्लाह ताला हम सब उसके लिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल करके ईद मनाएंगे। आपने शाहिद भाई सवाल किया कि 7 साल से, यानी आपने सवाल किया कुछ दिनों से इसको ईद हर साल से, मतलब आप शक्कर बांटते हैं जी, तो देखिए शाहिद भाई, मैं इसके बारे में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे नेता एक साउथ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को, ये उनकी जानिब से हमारे शहरवासियों के लिए, उनके लिए खुसूसी कि जो यहाँ पे गरीब मुस्तहिक हैं, जो स्लम इलाके में रहते हैं, उनको हमारे तमाम साथी मिल करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार उनके घर घर पहुँचाता है, हम सब मिल करके जमात के तमाम तंजीम के लोगों को, जमात के लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उनको ये मालूम है कहाँ कहाँ इसको पहुंचाना है, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज तकरीबन 4 से 5 दिनों से यहाँ पे हमारे तमाम साथी मेहनत करके इसको पैकिंग का काम चालू रखे हैं, वार्ड वाइज लोगों तक पहुंच रहा है, और हर वार्ड के नगर सेवक पदाधिकारी हमारे पार्टी के जिम्मेदार, हमारे तमाम दोस्त यार भी मिल करके इस ईद की खुशी में ये हम लोग काम करते हैं। देखिए ईद तो मैं भी मनाऊंगा इंशाल्लाह कल मेरे घर पे, ईद तो कल मनाएंगे इम्तियाज़ भाई उर्दू भी अपने घर पे, लेकिन शायद भाई अगर उन गरीब और मुस्तहिक के घर पे ये ना पहुंच सके तो शायद मैं ये समझता हूं कि हमारी ईद अधूरी रह गई। शमीम भाई, ये कितने लोगों को राष्ट्रवादी की तरफ से ये पहुँचता है? देखिए ये तकरीबन 10,000 लोगों तक ये सामान जो सेवई और शक्कर दूध है ये तकसीम होता है। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुमताज़ शाह साहब, अभी डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर साहब सुबह से लगे हुए थे चांद नगर हल्के के अंदर, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने तकरीबन, डॉक्टर साहब 500 लोगों को वैक्सीन दिया, डॉक्टर साहब भी वहीं लगे थे, 500 लोगों को डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से जाकर के तकसीम किया लोगों को। इस तरीके से हमारे बहुत सारे साथी, शानू भाई, शानू पठान साहब, रेहान भाई, पीतल वाला, शुएब भाई, बहुत सारे लोग, अभी सबका नाम नहीं होगा, तो कुछ जावेद भाई मेडिकल, बबुल शिमना, और गणेश मुंडे भी बांटते हैं वहाँ अपने वार्ड के अंदर, जफर सैयद भी बांटते हैं, बहुत सारे लोग, सब नेहा नाई, जफर नुमानी, तमाम लोग, मतलब मैं रूपाली गोडे और सब तमाम मिल करते हैं,
तो मैं सबका नाम हुआ तो किसी का बोल रहा तो लोग बुरा मान जाते हैं डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने हमारे साथियों ने मिलकर के आज इस काम को पूरा अंजाम दिया है तो मैं उसके लिए तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शहर के यूथ बच्चे हैं डॉक्टर साहब, क्या होता है शायद भाई कि जब वो बाइक राइडिंग पे निकल जाते हैं ईद की खुशियों के अंदर, तो मालूम पड़ता है कि वालदेन को कभी कॉल आता है, फिर वालदेन शॉपिंग में चले जाते हैं तो उनके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया, ट्रिपल सीट ना चले, हम जिस तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर बताया जाता है, ट्रैफिक के नियम के अनुसार हमें चलना है, हमें बाइक राइडिंग नहीं करना है। हाँ, ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे बैठ करके शीरखुरमा खाइए, अपने वालदेन को खिलाइए, अपने भाई बहन को खिलाइए, इससे प्यार बढ़ाइए लोगों के बीच में, और अपने घर पे गणेश मुंडे को बुलाइए, अपने घर पे बाबूराव मुंडे को बुलाइए, अपने घर पे इस तरीके से शिवा जगताप को बुलाइए, सब तमाम लोगों को बुलाइए, जो हिंदू भाई भी हैं उनको बुलाइए, वो भी अपने खुशियों में शामिल हो कीजिए, और हमेशा जिस तरीके से हम लोग मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कोसा में जैसे आज सिरफाड़ा से लेकर रेती बंदर तक ये सिरखोर इस समय का पूरा सामान शक्कर दूध तकरीबन 10,000 लोगों तक तकसीम हो रहा है, ये शायद भाई एकदम बता दूँ आपसे, आपने पूछ लिया वरना ये सब करने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हम तो आपके माध्यम से ईद उल फितर की मुबारकबाद ही पेश करते थे, लेकिन आपने पूछ लिया है तो मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा दिया, लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को जो हमेशा आपकी खिदमत में लगा रहता है, आप उसको अपनी दुआओं में याद रखना, और फिर मैं आपको एक बार अपने दोस्तों की जानिब से, अपने फैमिली की जानिब से, मैं आपको अपने शहर की जानिब से, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मैं आप तमाम आलम इस्लाम को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।